वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। फ्रेंड, आज के ड्राइविंग के इस वीडियो पे मैं दामिनी को ये कार चलाना सिखाने वाला हूँ। तो दामिनी, आपने पहले इससे कभी ड्राइव किया है कार को? नहीं, बिल्कुल, मतलब एकदम आप न्यू ड्राइवर हो। जी तो दामिनी ने आज तक कभी कार को ड्राइव नहीं किया है। एक्टिवा तो ड्राइव करते होंगे आप? ओके, तो वो एक्टिवा चलाती है बट उन्होंने आज तक कभी कार को नहीं चलाया है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं इस वीडियो में कि कैसे इजीली 10 मिनट के अंदर दामिनी इस कार को आप लोगों के सामने ड्राइव करके दिखाएगी। तो अगर आप लोगों ने भी आज तक कभी भी कार नहीं चलाया है तो आप लोग भी इस 10 मिनट के वीडियो को देखने के बाद इजीली किसी भी फोर व्हीलर को चला सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी पक्का से दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो पे दामिनी को कार के कुछ बेसिक्स बताने वाला हूं, उसके बाद दामिनी खुद इस कार को बहुत इजीली ड्राइव कर लेगी। दामिनी, आप यहां आइए मेरे पास। चलिए, जैसे आप इस कार के दरवाजे को ओपन करती है तो यहां पर आपने अपने सीट पे बैठने के बाद आपको यहाँ पर ये तीन लीवर दिख रहे होंगे, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट, पूरे कार का जो सिस्टम है वो इन्हीं तीन लीवर पे डिपेंड करता है। इसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, दिस इज योर एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। हम लोग ABCD पढ़ते हैं बचपन से, तो वही है, ये एक्सीलरेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ठीक है? ये आपका गियर है एंड दिस इज योर स्टीयरिंग और यहाँ पर आपका हॉर्न है। चलिए, अब आप इस सीट पे बैठ जाइए और मैं आपसे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछता हूँ जो मैंने आपको अभी बताया है। ओके, आप मुझे बताइए कि आपका एक्सीलरेटर कौन सा है? ये वाला। आपका ब्रेक कौन सा है? ये वाला। और क्लच कौन सा है? ये। ओके, ठीक है। आपका गियर कहाँ पर है गाड़ी का? ये है और ये आपकी स्टेयरिंग है। चलिए, अब हम मैं आपको गियर बॉक्स के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम लोग गाड़ी को आगे ड्राइव करेंगे। चलिए दामिनी, आप डोर को बंद कर लीजिए सबसे पहले। ओके, अब आप अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपके सीट के नीचे एक लिवर सा होगा, उसे आप पुल करके अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकते हो। जहां पर आपको कंफर्टेबल लगे पोजीशन, उस पोजीशन पे आप रहिए, ठीक है? ओके, अब मुझे आप यहां पर, मैं आपको बताता हूं इस गियर के बारे में, ठीक है? ये आपका गियर है। देखिए, यहां पर एक्टिवा पे तो गियर्स होते नहीं है आपके, तो जब भी आप इस गियर को यूज करोगे तो उस टाइम आपने क्लच को दबाना है। आप पांव क्लच पे रखिए, लेफ्ट वाला, ठीक है? ओके, यहां पर एक और बात आप ध्यान रखिएगा, जो आपका लेफ्ट पांव है ना, ये सिर्फ क्लच के लिए यूज होगा और राइट पांव आपका एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों के लिए राइट पांव यूज होने वाला है। तो राइट पांव की जो पोजीशन होगी ना, वो एक्सीलरेटर और क्लच दोनों के बीच पे आप रखोगे, ठीक है? ताकि आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर पाओ, ठीक है? ओके, अब आप क्लच दबाओ, क्लच दबाओ लेफ्ट वाले से। हाँ, दबा दो, पूरा दबा दो, और दबाओ, और दबाओ। ओके, क्लच को दबाने के बाद देखो आपको गियर कैसे शिफ्ट करना, मैं बताता हूं। देखो, यहां पर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ठीक है? तो आज के इस वीडियो पे बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं फर्स्ट और सेकंड गियर के बारे में। तो आपने जैसे क्लच दबाना है, क्लच दबाने के बाद ये जो गाड़ी की होती है, ये न्यूट्रल पोजिशन पे अभी गाड़ी, ठीक है ना? तो आपने क्या करना है, यहां लाना है, दिस इज योर फर्स्ट गियर, ठीक है? और इसे आप स्ट्रेट पीछे खींच दोगे 90 डिग्री के एंगल पे, तो वो आपका सेकंड गियर हो जाएगा, ठीक है? आप फर्स्ट गियर लगाइए, नहीं थोड़ा, एक सेकंड, थोड़ा इधर लाइए पहले, फिर उसके बाद ऊपर, ठीक है? चलिए कीजिए। हाँ, नो 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 नो, कोई नहीं कोई नहीं, आप ये, ठीक है, छोड़ना नहीं है, उसके साथ ही ऊपर। हाँ, तो ये आपका फर्स्ट गियर होता है, ठीक है? ओके, आप क्लच, अगर आप क्लच दबाते नहीं है ना तो ये गियर काम नहीं करते हैं। क्लच दबाने के बाद ही ये गियर काम करेंगे, दिस एंड दिस, सिंपल, ठीक है? तो आज हम बेसिकली इस गियर, जब हम गाड़ी को अभी आगे मूव करेंगे तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट गियर पे ही गाड़ी को मूव करने वाले हैं, ठीक है? ब्रेक पे पांव रखो आप, ठीक है? ओके, एक्सीलरेट पे पांव चेंज करो, ब्रेक करो, क्लच से पांव हटाओ, ठीक है? ओके, देखो, अब मैं आपको जैसे जैसे बोलूंगा आपने वैसे वैसे करना है, ठीक है? ओके, आप एक्सीलरेट पे पांव रखो, अब ब्रेक पे रखो, एक्सीलरेट पे रखो, ब्रेक पे रखो, क्लच दबाओ। ओके, ठीक है, तो ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। धीरे धीरे आपके रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप हो जाएंगे और इसके लिए आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इनिशियली आपको ये सब ध्यान पे रखना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। जब आप 200-250 किलोमीटर ड्राइव कर लोगे ना, उसके बाद आपके बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शन ही आपसे ये सारा काम करा देते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इस सिस्टम के बारे में। ये आपके गाड़ी का हैंड ब्रेक है, ठीक है? देखो, हैंड ब्रेक आपको ऑपरेट करना आता है? नहीं आता है। देखो, मैं बताता हूँ हैंड ब्रेक को कैसे करना है। आपने ये पहले ऊपर खींचना है, फिर ये बटन दबाना है, फिर रिलीज, ठीक है? कीजिए,
ऊपर खींचे, दबाइए रिलीज, ठीक है, ओके छोड़ दीजिए। देखो गाड़ी पीछे जा रही है, खींच दो इसे, हैंड ब्रेक खींचो खींचो बस, ठीक है। तो आप जब भी गाड़ी को स्टार्ट करने वाले होते हो उस टाइम पे आपका हैंड ब्रेक ऊपर ही रहता है, ठीक है ना, मतलब हैंड ब्रेक खींचा रहता है। तो आप पहले गाड़ी को स्टार्ट करोगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हैंड ब्रेक को डाउन करेंगे, उसके बाद हम लोग ब्रेक करेंगे, पांव से ब्रेक करेंगे, फिर क्लच दबाएंगे, फिर फर्स्ट गियर पे डाल के गाड़ी को आगे मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक आपको पता चल गया। ओके, स्टीयरिंग को पकड़ना भी मैं आपको बता देता हूं, आप कैसे पकड़ोगे स्टीयरिंग को। ओके, थोड़ा इस हाथ को ऊपर रखिए, इस वाले को, हाँ, ये आपके स्टीयरिंग को पकड़ने का एकदम परफेक्ट पोजीशन है। और हॉर्न ब्लो कीजिए, ठीक है, तो आप ऐसे हॉर्न को ब्लो करोगे, ठीक है, ओके। तो आपको स्टीयरिंग समझ में आ गया, आपको नीचे के सिस्टम समझ में आ गया, एक्सीलरेटर ब्रेक एंड क्लच के सिस्टम समझ में आ गया, आपको हैंड ब्रेक समझ में आ गया, आपको गियर बॉक्स भी थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया बेसिक, ठीक है। तो इतना काफी है आपके आज के मतलब वीडियो के लिए, इस इतना आपको अगर पता है ना तो हम गाड़ी को आगे मूव कर सकते हैं। चलिए आप गाड़ी को आगे मैं आपको मूव करना सिखाता हूं, और उसके बाद हम थोड़ा आगे तक जाएंगे, उसके बाद हम अगले लेक्चर्स पे आगे के पार्ट्स को सीखेंगे। ओके दामिनी, चलो अब हम इस कार को आगे मूव करते हैं। जैसा कि बेसिक मैंने आपको कार के सारे बता दिए हैं, तो सबसे पहले आप सीट बेल्ट को अपने बांध दीजिए, क्योंकि सीट बेल्ट लगाना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो सीट बेल्ट लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले क्योंकि ये आपकी कीलेस गाड़ी है, ठीक है ना, तो हैंड ब्रेक ऊपर है, आप क्लच दबाइए, पूरा दबा दीजिए, ठीक है, जहां तक हो जा रहा है, ओके। अब क्योंकि ये कीलेस गाड़ी है तो आप इसे स्टार्ट कर दीजिए, दबाइए, ओके, आप अपने हिसाब से पहले एडजस्ट कर लीजिए, हाँ ये सही रहेगा, क्लच दबाइए, प्रेस क्लच पैडल, ओके, तो क्लच हमारा दब चुका है, ओके। अब आपने क्या करना है, ब्रेक पे पांव रखिए, ठीक है, ब्रेक पे पांव रखिएगा, हैंड ब्रेक डाउन कीजिए, ओके, ब्रेक पे, ब्रेक से पांव मत हटाना, क्योंकि अभी हम थोड़े स्लोपिंग पे है ना, तो ब्रेक से पांव हटाओगे तो गाड़ी पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है, गाड़ी को फर्स्ट गियर पे डाल दीजिए, क्लच दबाइए, क्लच क्लच, हाँ दबाओ, पूरा दबाओ, हाँ ओके। अब धीरे धीरे आप क्लच छोड़ो और हल्के हल्के से ब्रेक भी छोड़ो, धीरे धीरे दोनों चीज, हाँ कोई नहीं, गाड़ी बंद हो गई, कोई नहीं, आप न्यूट्रल कर दीजिए गाड़ी को, क्लच दबाओ, क्लच दबाओ, हाँ गाड़ी को न्यूट्रल कर दो, न्यूट्रल कर दो, बस ठीक है, न्यूट्रल हो गया, हैंड ब्रेक खींच दीजिए, गाड़ी क्लच दबाइए, दोबारा गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, ओके, गियर डालिए, ओके, एक सेकेंड, पहले आप हैंड ब्रेक हटा दीजिए, ओके, क्लच दबा रखा है आपने, पूरा गियर डाल देते हैं फर्स्ट गियर, ठीक है, अब आप अब ब्रेक से पांव हटा लीजिए, आप हल्का हल्का क्लच को छोड़ो, स्टीयरिंग को पकड़ो, स्टीयरिंग पकड़ो, हाँ बस बस हल्का हल्का, रेस नहीं देना आपने, हल्का हल्का क्लच दबाओ, ब्रेक स्टार्ट है, कोई नहीं, आप हैंड ब्रेक खींचिए अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो, ठीक है, ओके, गाड़ी को न्यूट्रल पे लाइए, न्यूट्रल नीचे, क्लच दबा के, क्लच दबा के बस आधे पे छोड़ दीजिए। जब भी आप गाड़ी के गियर बॉक्स के साथ कुछ भी गियर चेंज करते हो या न्यूट्रल पे रहते हो, आपका क्या होना चाहिए ना, रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए, आप बिना क्लच के साथ ये गियर बॉक्स काम नहीं करता, ठीक है ना, दोनों तभी काम करते हैं, दोनों मतलब क्या है ना, एक दूसरे के साथ इन दोनों का कनेक्शन है, ठीक है, जब क्लच दबेगा तभी ये गियर बॉक्स काम करना स्टार्ट होगा, ठीक है, ओके, क्लच दबाइए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, ओके, क्लच छोड़ना नहीं अभी, क्लच दबा के ही रखिए, ब्रेक पे पांव रखिए, ब्रेक कर दीजिए, हैंड ब्रेक हटा दीजिए, अब गियर, स्टीयरिंग पकड़ो आप, क्लच दबाओ, चलिए अब ब्रेक को छोड़ दीजिए और क्लच को हल्के हल्के छोड़िए, हल्के हल्के क्लच को छोड़िए, क्लच को छोड़ो हल्के हल्के, ओह देखो अगर आप क्लच को एकदम से छोड़ दोगे ना तो गाड़ी एकदम झटके से बंद हो जाएगी, क्लच को आपने धीरे धीरे छोड़ना है, जैसे आपने पिछले बार छोड़ा था तो देखा था गाड़ी आगे मूव हो गई थी, ठीक है, चलिए एक और ट्राई करते हैं, हैंड ब्रेक खींच देता हूं मैं, गाड़ी को क्लच दबाइए, न्यूट्रल पे रख देते हैं, स्टार्ट कीजिए, ओके, ब्रेक पे पांव रखिए, ठीक है, क्लच दबा के रखो, अभी क्लच दबा के रखो, फर्स्ट गियर डाल रहा हूं मैं, ठीक है, चलिए अब ब्रेक हटाओ, हैंड ब्रेक हटाओ, एक सेकंड आप वैसे रहिए, ओके, ब्रेक से पांव हटा, क्लच छोड़ो हल्के हल्के, क्लच छोड़ो, हाँ हल्के हल्के, ओके ठीक है, चलो दामिनी दोबारा से एक और बार ट्राई करते हैं हम, ठीक है, आप क्लच दबाइए और गाड़ी को स्टार्ट कर दीजिए,
ठीक है ओके। ब्रेक पे पांव रखिए, ब्रेक पे पांव रखिए और क्लच को दबा के रखिए, अभी क्लच को दबा के रखिए, क्लच दबा के रखिए पूरा नीचे तक। हैंड ब्रेक हटा दीजिए, फर्स्ट गियर डाल दी दे। अब आप आगे देखो और क्लच को ब्रेक हटा दो, ब्रेक हटा दो, क्लच को धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे, बस 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 वहीं पे रखो, चलने दो चलने दो चलने दो। देखा फ्रेंड्स, तो अभी मुश्किल से हम लोगों को वीडियो को स्टार्ट किए हुए 10 मिनट ही हुए हैं और दामिनी काफ़ी इजीली गाड़ी को आगे मूव कर रही है। तो आप लोग भी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू पक्का से देखना, बाकी और पार्ट्स भी आप लोग देखना, ताकि आप लोग भी देखो कि दामिनी कैसे इस गाड़ी को, अभी तो वो जीरो की स्पीड पे ही चला रही है, आगे आने वाले वीडियोस पे हम दिखाएंगे कि दामिनी इसी गाड़ी को 50 तक की स्पीड पे चलाएंगी इजीली। तो होपफुली आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। दामिनी, आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबर को? ओके, दामिनी का कंसंट्रेशन अभी पूरा कार पे ही है, ठीक है ना, अभी वो सीख रही है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।